ओएमजी अभी भी एक दो दिन का पास। आसमान इतना काला है, इतना बारिश होने वाला है। तो मैं दिखाती हूँ नज़ारा कुछ इस तरीके से। आसमान एकदम काला हो गया, लगता है आज धूमधाम करके ही देंगे। चल रहा है गाइस, लगता है अभी बरसात दे देंगे, पानी पानी बरसेगा। ऑस्टिन भी चिंता में पड़ गया, अब क्या होगा हमारा। इस तरह में इतना हवा चलता है गाइस, इतना हवा चलता है कि पेड़ पौधा सब डूब जाता है। और वेलकम गाइस सभी को। अभी चल रहा है, अभी गुड मॉर्निंग है गाइस, अभी 9:30 चल रहा है। और देख सकते हो, देखिए इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया कि पूछो ही मत। हम लोग अभी हाँ क्या होगा उस दिन, आज बारिश बहुत ज़्यादा, पेड़ हिल रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। इस तरफ देख सकते हो ओएमजी, अभी अभी एक दरवाज़ा ये वाला खटखटा लिया ठरम ठरम करके। अभी भी मैं नहा चुकी हूँ और अभी भी बाहर में तेज बारिश हो रहा है। सोच रहा था हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, घूमेंगे, ब्लॉग बनाएंगे। और अस्टिन भी इधर नहा लिया है और मैं दिखाती कितना बारिश हो रहा है बाहर। सुबह 10 बजे से अभी 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, अभी तक बारिश ही बारिश है गाइस। तो अभी मैं लंच करूँगी, कुछ काम धाम नहीं है, काम सब खत्म है। कपड़ा धो लिया, बर्तन माँज लिया, पोछा मार लिया और देख सकते हो फ्लोर में पानी ही पानी, देख लीजिए। चलो चलो मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। चलो मैं क्यों हाथ डाल रही हो, क्यों मुंह में हाथ डाल रहे हो, हाँ क्या मिलेगा मुंह में हाथ डाल के। आजकल का बच्चे लोग खाली मुंह में हाथ डाल के रहता है, इसी वजह से कीटाणु जाते हैं, कीटाणु से पोटी हो जाता है। बच्चे लोग को कभी मुंह में हाथ डालना नहीं चाहिए, उन लोग कहाँ कहाँ पकड़ता है। इसलिए गाइस हमेशा हाथ धुलवाना चाहिए उन लोग को। अभी भी जैसे मैंने बोला, अभी भी उसको नहला दिया इसलिए उसका हाथ साफ है, फिर भी मुझे धोना पड़ेगा क्योंकि इतना मुँह में डाल। मैं अभी भी दोपहर का नैप ले लिया क्योंकि बाहर में इतना बारिश चल रही थी तो बाहर नहीं जा पाए। अभी मैं चाय बनाऊंगी, शाम का चाय बहुत टेस्टी होता है बारिश के मौसम में, तो अभी मैं चाय बनाऊंगी। आज मैं बिल्कुल शुगर भर भर के पीऊँगी। इतना दिनों से, इतना महीनों से मैं शुगर नहीं पी, आज मैं शुगर पीऊँगी। चलिए चाय बनाते हैं। कहाँ पे चाय बना रही हूँ, बाहर बहुत बारिश हो रहा है और मन कर रहा है चाउमीन खाऊं। और ऑस्टिन इधर में बैठा है, पात मार दिया, इतना बदबूदार था, खतरनाक, दो दिन का पात। कुछ करने का मन कर रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है, क्या क्या खाने का मन कर रहा है, लेकिन गाइस मेरा पेट, मैं फल फ्रूट बिल्कुल खाना नहीं चाहती, जंक फूड बिल्कुल खाना नहीं चाहती, खाना चाहती हूँ दिल से, लेकिन बाद में मैं बहुत रिग्रेट फील करती हूँ, क्यों खाई। हुआ क्या देखते हैं। अभी मैंने, मेरा दूध उबाला है, मैं इसमें चाय पत्ता डालूँगी, ये मटर को, चना को मैंने पिठा दिया है। सो ये डाल दीजिए चाय पत्ता। हाँ मुझे फिर आ रहा है, चाय को अच्छा से जब तक ना उबाले तब तक मज़ा ही अलग होता है, चाय को उबाल के पीने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन उसके पापा को चाय उबालने, उसको चाय उबालना नहीं पसंद है, वो बोलता है कि मुझे ज़्यादा उबाल के मत दो। अब मैं डालूँगी इलायची, इलायची डालूँगी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपना भाषा में ब्लॉग करूँ, क्योंकि अपना भाषा मेरा
माँ का भाषा कॉकरोच है और मुझे सब भाषा आता है, अपना पति का भाषा भी। मेरा शाम की चाय और सॉल्टी बिस्किट का कॉम्बिनेशन एकदम मस्त है, मस्त। ए तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? समय आप शाम की चाय एंजॉय करेंगी। बारिश भी रुक गया, अब बाहर जाने के लिए तैयार है। सॉल्टी बिस्किट खाऊंगी। ओह माय गॉड, अंदर ही नहीं घुस रहे तो और के। मेरा चाय कैसा लगा मैं बताऊंगी। आज चीनी देके पी रही हूँ, कुछ अलग ही लग रहा है मुझे टेस्ट। इतना देर से बिना चीनी पी थी। अच्छा, मुझे ऐसे क्या हुआ, कैसे हो? दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। पापा और बेबी नौ ने वीडियो शूटिंग करेगा। बहुत ज्यादा मशरूम थोड़ा लेना है। Snail, wow, snail. Muya busuk sa. Charlie. Busuk muya. Mama lega na, dekho. Crab. Crab, wow, crab, oh boy. Banana, eggplant. Beans, long beans, lady's finger. मामा ने क्या लिया? चढ़ा लो। फ्रूट मार्केट इधर भी।
ये ले लेंगे ये अच्छा है बोले 230 500 का साइज दराओ के पूरा वर्ड पूरा वर्ड ये ऐसा छोटा छोटा वाला दे दो ना रुको जरा भैया ऐसा ना छोटा छोटा दे रहा मेरे पास नहीं हम दे दो उधर नहीं आओगे बीच ये है जीबी बाजार नहीं। आप लोगों को दिखाऊंगी मैं मार्केट से क्या क्या लाया। तो वो मार्केट है लेक्चुमनी मार्केट बोलते हैं त्रिपुरा का अगरतला का सबसे बड़ा मार्केट ट्राइबल का। अच्छा अच्छा सब्जी मिलता है ट्राइबल केमिकल नहीं होता है। तो ये है जैकफ्रूट का सीड्स जो कि मैं पकाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी होने वाला है। लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था जैकफ्रूट सीड्स और बम्बू शूट का, मम्मी ने बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था। वैसे ही आज मैं बनाऊँगी बॉयल करके। और ये मशरूम, मेरा फेवरेट मशरूम। और उसके बाद ये मिर्ची लाई, ज़्यादा कुछ नहीं लाई, सो लोकल जो सब्जी मिलता है वही लाया। ये खुंदरू भी बोलता है कॉकब्रोक में, हिंदी में आई डोंट नो, ये यही पे मिलता है, दूसरा जगह नहीं मिलता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, धनिया का जैसा है इसका स्मेल। और ये थोड़ा काटा होता है, काटा वाला। और
ये भी बहुत टेस्टी है, जो जो भी मैंने। और ये फिर बम्बू शूट लाया, बम्बू आज बम्बू शूट पकाऊंगी बॉयल। हम लोग ज़्यादा बॉयल खाता है और बॉयल बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और फिर जो जो सब्जी लिया है वो सब एकदम बिना केमिकल फ्रेश होता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है खा। और हम लोग वहाँ पे उस मार्केट में प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोकल जो सब्ज़ी मिलता है वो एकदम फ्रेश अच्छा मिलता है, जो कि हम लोग चाहिए। हम लोग ज़्यादा फ्राई व्राई नहीं खाता है, बॉयल ही खाता है, जो कि स्किन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और बस इसी तरह से मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोग मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मुझे सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बोलो, बाय बाय, थैंक यू।